सोनीपत में कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र पंवार के घर माइनिंग को लेकर ईडी की रेड। कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र पंवार के घर माइनिंग को लेकर विधायक और उनके सहयोगियों के घर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एड की कई टीमें आज सुबह से कागजात खंगाल रही हैं। जानकारों के अनुसार अवैध माइनिंग के मिल रहे इनपुट के बाद यह रेड हुई है। ईडी के अधिकारी जब कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के यहाँ पहुँचे, उस समय विधायक सुरेंद्र पंवार भी अपने आवास पर मौजूद बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र पंवार के सहयोगी सुरेश त्यागी के घर भी ईडी की टीम पहुंची है। जानकारों के अनुसार सुबह जब ईडी की टीम सुरेंद्र पवार के सेक्टर 15 स्थित घर पहुंची, उस समय सुरेंद्र पवार घर पर मौजूद थे। उनके घर के अलावा ऑफिस और दूसरे प्रॉपर्टी पर भी ईडी की टीमें पहुंची। इस दौरान लोकल पुलिस के अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी तैनात किए गए हैं। जानकारी के अनुसार आज सुबह से ईडी की टीम ने सोनीपत सहित यमुनानगर में भाजपा नेता मनोज वधवा के यहां भी रेड की है, जिनका भी खनन का कारोबार है। ज्ञात रहे कि वधवा विधायक रह चुके हैं और 2014 में उन्होंने इनेलो की टिकट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें वह चुनाव हार गए थे और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए थे। जानकारी के अनुसार जैसे ही ईडी की टीम आज सुबह विधायक सुरेंद्र पवार के घर पहुंची तो उसके बाद न तो किसी को घर के अंदर जाने दिया और न बाहर जाने दिया। सूत्रों के अनुसार ईडी के अधिकारी घर के अंदर कागजातों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की जांच में लगे हैं। वहीं इसी प्रकार ईडी की टीम उनके सहयोगी सुरेश त्यागी के यहां भी जांच में लगी है। सोनीपत से जगत महान, न्यूज़ की रिपोर्ट।